बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशन सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोन के बारे में है कि बोन क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोन के डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये क्या चीज़ है। इट इज टॉप हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज टॉप हार्ड यानी ये बहुत सख्त है। और क्या है कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि दो चीज़ों को आपस में मिलाता है, जैसे कि इंसान के बॉडी में लिगामेंट्स है और इसके अलावा हमारे साथ टेंडन भी है, तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि हमारे साथ सेल के साथ साथ हमारे साथ फाइबर भी मौजूद हो, तो इस किस्म की टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये बोन की तारीफ के बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी, जो कि इंसान के जिस्म को शेप प्रोवाइड करता है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन की तरफ आते हैं। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, लिहाजा इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आसान बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बाद जनरल स्ट्रक्चर के भी आपके साथ कुछ ना कुछ मालूम शेयर करेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ एक हार्ड कम्पैक्ट बोन है। ये जो मुकम्मल आप देख सकते हैं ये हमारे साथ एक बोन है। इसकी एक हेड रीजन ये है और इसके अलावा ये है, ये एक और जो हेड रीजन है ये है। तो इस रीजन को ईपीफाइस कहा जाता है। ईपीफाइस इज द नेम ऑफ हेड रीजन। तो ये एक नेम आपने सीख लिया। सेकंड जो है ये, आप अगर इसके मिडल को देखें तो ये इनवर्ड हो गया है, तो इस जगह को डाइफाइसिस कहा जाता है। तो दो नेम्स, वन इज द ईपीफाइसिस एंड द नेक्स्ट वन इज द डाइफाइसिस। डाइफाइसिस इज द इनवर्ड प्लेस इन द बोन। जो इनवर्ड यानी ग्रू लाइक स्ट्रक्चर है बोन के अंदर, इसको डाइफाइसिस कहा जाता है। ईपीफाइसिस का मतलब ये जो हेड रीजन है इसको ईपीफाइसिस कहा जाता है। अगर इस ऊपर देखें आप हमारे साथ, तो ये कार्टिलेज केप है। कार्टिलेज केप का मतलब है कि एक ट्रोपी है कार्टिलेज का, और ये ज़्यादातर लॉन्ग बोन में हमारे साथ हाइलिन कार्टिलेज की केप होती है। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज इन द नेक्स्ट वन इज फेब्रो कार्टिलेज इन द नेक्स्ट वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। इंशाल्लाह इसके बाद कार्टिलेज पर एक मुकम्मल लेक्चर में अपलोड करूँगा। तो हमारे साथ फर्स्ट नंबर ईपीफाइसिस, नेक्स्ट वन इज डाइफाइसिस, नेक्स्ट जो है हमारे साथ कार्टिलेज केप था, और इसके बाद हमारे साथ अंदर जो है एक क्यूविटी है, मतलब खाली जगह है जिसको बोन मैरो क्यूविटी कहा जाता है। इस क्यूविटी को बोन मैरो क्यूविटी कहा जाता है, बोन मैरो क्यूविटी। इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो है, यह अगर आप देखें ये हेड रीजन है, और इसके अंदर भी बोन मैरो है यानी फ्लूइड मटेरियल है, लेकिन इसको रेड बोन मैरो कहा जाता है, रेड बोन मैरो। और यहाँ हमारे साथ आरबीसी प्रोडक्शन होता है इस रेड बोन मैरो के अंदर। अगर यहाँ पर हम जिक्र और भी करें तो यहाँ पर इस जगह से हम स्पॉन्जी बोन बोन बनाएंगे, स्पॉन्जी बोन, और ये जो एरिया है इससे कॉम्पैक्ट बोन बन जाता है। तो नेक्स्ट में हमारे साथ इस कैविटी के अंदर हमारे साथ पैड स्टोर होता है, येलो स्टोर पैड होता है जो कि ये बोन मैरो बनाता है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर आप ये जो है कनाल देखते हैं, ट्यूब देखते हैं, तो इसको हेवर्शियन कैनाल कहते हैं। हेवर्शियन कैनाल की अगर हम जिक्र करें तो इसकी जो यानी बोन की जो बाहर पर्दा है इसको पीरी ऑस्टियम कहा जाता है, यानी ये जो है पीरी ऑस्टियम है, पीरी ऑस्टियम। इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर ये जो एरिया है इसको एंडो ऑस्टियम कहा जाता है, जो इनर लेयर है इसको एंडो ऑस्टियम कहा जाता है। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बोन मैरो कैविटी है और इसके अंदर बोन मैरो है। अब हम इसको थोड़ा और जूम करेंगे और इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये जो है ये हेवर्शियन कैनाल है, हेवर्शियन कैनाल, इसके इर्द गिर्द कॉम्पैक्ट रिंग्स है, कॉम्पैक्ट रिंग्स। इस रिंग्स को कंसेंट्रिक लेमेला कहा जाता है। कंसेंट्रिक लेमेला के अंदर हमारे साथ ये जो है इररेगुलर स्पेसेस हैं, इररेगुलर
स्पेसीज, यानी इसकी शक्ल वाजह नहीं है, इररेगुलर है, तो इसकी वजह से इसको इररेगुलर स्पेसीज कहा जाता है। इररेगुलर स्पेसीज ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर एक सेल है जिसका नाम ऑस्टियोसिस्ट है, ऑस्टियोसिस्ट। इसके बाद जो हमारे साथ नेक्स्ट है, ये देखिए आपको ये जो लिंग है किस दो इररेगुलर स्पेस के दौरान दरमियान, सॉरी ये जो इररेगुलर स्पेस के दरमियान एक लिंक है कम्युनिकेशन के लिए, इसको किनाली कोली कहा जाता है, किनाली कोली कहा जाता है। तो ये है रशियन किनाल के अंदर जो डिटेल थी वो होती इररेगुलर स्पेस है। और इसके अलावा इसके रिंग को कंसेंट्रिक लेमिना कहा जाता है। इसके बाद इसके इस इररेगुलर रिंग के अंदर हमारे साथ क्या है, कंसेंट्रिक लेमिना। अब हम आते हैं जनरल डायग्राम के, जान के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये जो हमारे साथ बाहर वाला पर्दा है हड्डी का, इसको पेरी ऑस्टियम कहा जाता है। पेरी ऑस्टियम हमारे साथ नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हमारे साथ एक लेयर है और ये जो लेयर है ये स्टेम सेल का है, स्टेम सेल। स्टेम सेल वो सेल होता है जिससे दूसरे सेल बन जाते हैं। इस स्टेम सेल के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल के एक लेयर है जिसको ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये जो लेयर है ये आप देख सकते हैं, ये इस पेरिऑस्टियम और इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट के दरमियान, इसको सरकम्पेंशन लेमिना कहा जाता है। सरकम्पेंशन लेमिना के अलावा हमारे साथ एक और लेमिना भी है जिसको इंटरटिशियल लेमिना कहा जाता है। ये इररेगुलर होता है जिसकी वजह से ये जो हड्डी है वो बहुत मजबूत होता है। हमारे साथ बोन के अंदर तीन लेमिना है, वन इज कंसेंट्रिक लेमिना, देन नेक्स्ट वन इज सरकम्फ्रेंशियल लेमिना, देन द थर्ड वन इज इंटरटिशियल लेमिना, इंटरटिशियल लेमिना। यहाँ पर अगर आप आ जाए तो ये है वर्शन किनाल है, इसके साइड बाय साइड ये कंसेंट्रिक लेमिना है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइक सिल होता है जिसको हम ऑस्टियोसिस्ट कहते हैं और ये इररेगुलर स्पेसिस के अंदर है। तो ये एक नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा है वर्शन किनाल यहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो है, यहाँ पर बहुत से फाइबर मौजूद होता है जिसको कोलाजिन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर जगह जगह प्लेस बाय प्लेस सिल होते हैं जिसको ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट। तो सिल के अंदर अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट नंबर पर स्टेम सिल, नेक्स्ट जो है ऑस्टियोब्लास्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोसिस्ट, एंड द लास्ट वन इज ऑस्टियोक्लास्ट। स्टेम सिल वो सिल होता है जिससे ऑस्टियोब्लास्ट सिल बन जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट ये इमैच्योर सिल है और अगर ये थोड़ा टाइम गुजारे तो यहाँ पर ये ऑस्टियोसिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे साथ स्टेम सेल इससे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट से फिर ऑस्टियोसिस्ट, ऑस्टियोसिस्ट सबसे ज़्यादा जो सेल होता है बोन सेल के अंदर वह ऑस्टियोसिस्ट है और ये मैच्योर सेल है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये हमारे साथ 1, 2, 3, 4 ये बहुत ज़्यादा नहीं होता ऑस्टियोसिस्ट के मुकाबले में। तो ये हमारे साथ ऑस्टियोक्लास्ट है, इसको डिजॉल्विंग सेल भी कहा जाता है। डिजॉल्विंग सेल का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस एरिया को मैट्रिक्स कहा जाता है, इसमें अगर ओल्ड सेल हो तो उसको ईट अप करता है और इसको ख़त्म करता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ये सेल की यानी बोन सेल की मेंटेनेंस बरकरार रखता है। अगर ऑस्टियोक्लास्ट को देखें तो ये इमैच्योर सेल है, ये ऑस्टियोसिस बनाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट को अगर आप देखें तो ये पुराने सेल को ख़त्म करता है, तो ये जो बोन की मेंटेनेंस है उसको जारी रखता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम करते हैं।